अपनी पेंशन योजना को लेकर राजधानी में फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। भोपाल में प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी जुट गए हैं। 6 से ज्यादा संगठनों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। नीलम पार्क में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर संयुक्त धरना लगातार जारी है। तो राजधानी भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुरानी पेंशन को लेकर राजधानी में ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो करीब 6 से ज्यादा संगठन के सरकारी कर्मचारी एक ही बैनर के तले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग सरकार से की जा रही है। तो संयुक्त प्रादेशिक धरना देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 6 से ज्यादा संगठन ने संयुक्त ऐलान करा था कि वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और इसके साथ साथ करीब एक दर्जन उनकी मांगे उसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर वो करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, वो यहां राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और इसके साथ साथ और भी कई मांगे हैं। आप पुरानी पेंशन बहाली के अलावा आपकी क्या क्या मांगे, क्योंकि आप यहाँ पे पोस्टल लिए हुए, आरक्षण खत्म करो, योग्यता का सम्मान। देखिए, 5 संघों का हमारा मंच है, हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। सबसे प्रथम मांग है समान कार्य समान वेतन। 400 मंत्रालय के लिपिक कर्मचारियों को द्वितीय मान समय मान वेतन मान जो दिया जा रहा है वो मैदानी के 60,000 बाबू उससे वंचित हैं। उन समान कार्य समान वेतन के तहत हमें भी वही समय मान वेतन मान दिया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में CPCD की एक कंडिका है जिसके कारण अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य खत्म हो जाता है। 3 साल बाद अनुकंपा साथियों को सेवा से निकाला जा रहा है। कर्मचारी संगठन प्रदेश भर से जुटे हुए, उनका कहना है कि हम आने वाले विधानसभा में चुनाव में उन्हें ही वोट करेंगे जो OPS को लागू करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अभी चुनाव में 6 से 7 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़24।